गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस विल बी माय फोर्थ ब्लॉग एंड आई होप धीरे धीरे एज आई से द चीज़ें इज गोइंग बेटर। सो अभी हो गई है मॉर्निंग एंड एज आई सेड इन माय फर्स्ट ब्लॉग, मैं सुबह उठ के अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो बनाती हूँ वो कंज्यूम करती हूँ। तो दिस इज़ द मॉर्निंग ड्रिंक, आई शो यू, इट्स इज़ हैविंग जस्ट द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, टर्मरिक एंड एवरीथिंग। आज मैंने शूटिंग भी की है, सो मीनवाइल मैं इसको कंज्यूम करती हूँ। प्लीज़ गो थ्रू द ब्लॉग एंड सी कि मैंने इसको कैसे बनाया है एंड आगे का पूरा दिन का शेड्यूल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो टिल देन प्लीज़ गिव मी सम टाइम कि मैं ये पिक्चर जो आप मैच देख रहे हो प्लीज़ इग्नोर दैट, मैं उसको क्लीन कर सकूँ ये सारी चीज़ें करने के बाद, एंड आई विल देन गेट बैक टू यू अगेन। सो टेक केयर टिल देन। सो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में चूड़ा मटर, और चूड़ा मटर बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है और कैसे बनाते हैं। सो मैंने एक पैन लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है, देन उसमें क्यूमिन सीड्स डाले हैं मैंने, जीरा, और थोड़ा सा उसको जीरा पक जाने के बाद मैं नॉर्मली मतलब मसाले पहले ही डालती हूँ ऑयल में, सो दैट मसाले अच्छे से भून जाए एंड उसके कलर एंड टेक्सचर्स भी अच्छे आए। तो मैंने जीरा स्प्लैटर होने के बाद उसमें टर्मरिक एंड थोड़ी सी रेड मिर्च पाउडर डाल दिया है, वो दोनों मिक्स करके फिर मैंने जो चॉप किए हुए टोमेटो एंड ग्रीन चिली रखा था वो मैंने उसमें डाल दिया है। सो आई हैव नॉट यूज्ड अनियन बिकॉज़ जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, नवरात्रि चल रही है तो हम नवरात्रि में अनियन एंड गार्लिक अवॉइड करते हैं 9 days। सो मैं सिर्फ टोमेटो से आज बना रही हूँ ये चूड़ा मटर। और मैंने आपको ये देखिए बाउल में मैंने पीस ले लिए हैं, फ्रोज़न पीस है ये, तो मैं इसको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले पानी में भिगो के रखती हूँ एंड देन ये पकने के बाद मैं इसमें मटर ऐड करती हूँ। मटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऐड ऑन किए हैं, वो हो जाने के बाद इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा भून लिया है, पका लिया है। जब मटर और टमाटर वगैरह सब कुछ पक गया है तो मतलब जनरली जो भून मतलब पोहा होता है या चूड़ा बोल लो आप, उसको भूनने के बाद हम उसको भून के एक डब्बे में स्टोर करके रख लेते हैं थोड़े से उसमें पीनट्स डाल के। तो जब भी ऐसा भूख लगता है या नाश्ता कुछ बनाना होता है तो मैं वो चीज़ को यूज़ करती हूँ एज एन नॉर्मल पोहा बनाने में या फिर नॉर्मल ऐसे चूड़ा मटर के लिए, सूखे वाले चूड़ा मटर। तो मैंने उसको उसमें ऐड कर दिया है, वो ऐड करके अच्छे से उसको मिक्स कर दिया, थोड़ी देर उसको ढक के उसके वेप से उसको अच्छे से पकने दिया है, वो हो गया एंड देन सी द टेक्सचर कितना अच्छे से वो पक गया, मिक्स हो गया एंड इट इज़ लुकिंग यम। एंड सीरियसली नमक वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद, थोड़े से मसाले जो भी मैंने दिखाए वो ऐड करने के बाद, दिस इज़ लुकिंग टू यम एंड बहुत अच्छा हो गया है। सो ये प्लेट में अब सर्व कर दिया है मैंने एंड आकाश जी इज़ वेटिंग फॉर द ब्रेकफास्ट, सो लेट्स गो एंड गिव हिम द ब्रेकफास्ट। एंड देन उसके बाद मुझे अपने लिए चाय बनाना था तो मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, एंड चाय बनाने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। सो हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हो गया लंच का टाइमिंग एंड लेट्स सी मम्मी ने क्या बनाया लंच में। मम्मी क्या बनाया लंच? चावल दाल सब्जी। हाय, चावल दाल सब्जी आलू पराठा सब बना है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द लंच। दाल राइस सब्जी एंड अचार एंड पापड़। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। सो लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी होके इंस्टा के रील शूट कर रही थी और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, तो मैंने ऐसे ही ये थोड़े से लगाए हैं, आप जाके इंस्टा पे मेरे रील्स देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हो गया है डिनर का टाइम, आकाश जी पीछे खाना खा रहे हैं एंड अभी मम्मी मेरे लिए डिनर ला रही है, तो मैं दिखाती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है आज डिनर में। मम्मी क्या है डिनर में?
हाय रोटी खाए पालक की सब्जी एंड रोटी ओके मम्मी के हाथ की गर्मा गर्म रोटी सो यम्मी एंड सो टेस्टी ठीक है मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद एंड देन डिनर करने के बाद मैं ब्लॉग एडिट करने लगी थी फिर रात हो गया तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था तो बस मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी हॉट कॉफ़ी और जब तक मैं अपना कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ तब तक फिर मैं ब्लॉग एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी सो आप ब्लॉग देखिए मेरा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक गुड नाइट टेक केयर गाइस बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज थैंक यू